देखिए, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका लीनियर अरेंजमेंट, इसके बाद होता है डबल लीनियर अरेंजमेंट, और एक आपका आता है स्क्वायर रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे बोल जाता है सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, सो ये आपका रो क्या होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट है। और अगर ऐसे ही बोल दिया जाता है कि सिक्स पर्सन आर सिटिंग इन अ रो वन एंड सिक्स पर्सन आर सिटिंग इन रो टू, सो ये क्या हो जाता है, एक रो वन ये हो गया, एक रो टू ये हो गया, ये होता है आपका डबल लीनियर अरेंजमेंट, और ये है आपका लीनियर अरेंजमेंट। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, एक स्क्वायर के शेप में बोल दिया जाएगा कि एक स्क्वायर है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या बोल दिया जाता है, सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फील्ड, और सर्कुलर फील्ड बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं आप, सर्कुलर एरिया बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सम पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, कुछ भी आ सकता है। तो सर्कल के चारों तरफ बैठे होंगे तो ये होता है आपका अरेंजमेंट। स्क्वायर के चारों तरफ होंगे तब स्क्वायर होगा। इसमें होता क्या है, कहीं भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। सर्कल में क्या हो सकता है, यहाँ यहाँ ऐसे कहीं भी बैठ सकते हैं। अब इसके बाद आपको बोला जाता है फेसिंग इनसाइड और फेसिंग आउटसाइड, तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की। इसीलिए मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था डायरेक्शन, इसलिए पढ़ाया था बिकॉज आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार वो डायरेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग इसके बेसिक रूल्स क्या हैं और इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहले इसके बेसिक रूल समझ लेंगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सॉल्व करवा दूंगा। देखिए, आपको अगर लीनियर अरेंजमेंट की पहले हम बात करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट इसमें क्या होता है, आपको बोला जाएगा कि एक रो है आपका, और रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस किए हुए हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन आपका होता है ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और इधर आपका राइट होता है, और इधर आपका ये जो है ये होता है आपका लेफ्ट। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जैसा एरो है आपका ऐसा ही सेम ऐसा ही आपका हैंड है, ये आपका हैंड इधर लेफ्ट हैंड होता है और इधर आपका राइट हैंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, इधर राइट होगा आपका और इधर की तरफ आपका लेफ्ट होगा। अब बात करते हैं, अगर एक रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, तब साउथ डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है साउथ डायरेक्शन कहाँ पर होता है, साउथ डायरेक्शन आपका होता है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। सो ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर अपने आपको अज्यूम कर लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सो ये एरो किधर है, जैसे ये एरो बना हुआ है अज्यूम कर लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो ये जो है इधर आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, और इधर जो होगा ये आपका हो जाएगा राइट। इसका मतलब जो साउथ डायरेक्शन में जब फेस करते हैं तो इधर कौन सा डायरेक्शन चलता है, इधर चलेगा आपका राइट और इधर चलेगा आपका लेफ्ट। ये था हमारा लीनियर अरेंजमेंट, और जब ये दो रो ऐसे दे दी जाती हैं तो इसको बोल दिया जाता है हमें डबल लीनियर अरेंजमेंट, ये हो जाता है आपका डबल लीनियर अरेंजमेंट। अब देखिए, कुछ कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट, जैसे बोला जाता है सपोज ये एक रो दी गई आपको, यहाँ पर बोला गया है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब सपोज ये आपका बी बैठा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ए इसके आगे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ए हो सकता है, कहीं भी ए हो सकता है। अगर बोला जाता है, देखिए मैंने क्या बोला है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट टू बी मतलब कि आगे कहीं भी हो सकता है। और अगर बोल दिया जाता है आपको ए इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू बी, इमीडिएट नेक्स्ट टू बी इसका मतलब है कि जहां पर बी है इसके जस्ट बाद वाली पोजीशन पे आपका ए आ जाएगा। अगर नेक्स्ट बोला जाएगा तो आप आगे किसी भी पोजीशन पे बैठा सकते हैं, और अगर बोला जाता है इमीडिएट नेक्स्ट तो इसका मतलब जस्ट आगे वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर बोला जाता है कि एक रो में कुछ लोग हैं, बोला जाता है ए इज द नेबर ऑफ बी, नेबर मतलब कि जस्ट बगल वाला, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है आपका, नेबर या इमीडिएट नेबर बोले एक ही चीज़ है। अब ये किधर हो सकता है, ये आपका इधर भी हो सकता है और ये आपका इधर भी हो सकता है। अगर बोला जाता है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तब क्या होगा, ये बी है यहाँ पर, सपोज सी है यहाँ पर, आप ए को बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ए जो है वो बी का नेबर नहीं है,
ऐसे इधर आप सपोज ई है, यहाँ पर आप ए को कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ये थी बात हमारी लीनियर अरेंजमेंट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। अब देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट में आपका क्या होता है, ये आपको एक सर्कल दिया गया है, इसमें आपको बोला जाएगा सम पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड फेसिंग सेंटर, या तो आपको ये बोला जाएगा फेसिंग टूवर्ड सेंटर या फेसिंग आउटवर्ड सेंटर, इसका मतलब है या फेसिंग आउटवर्ड्स टू द सेंटर। अब देखिए जो फर्स्ट बोला गया है फेसिंग सेंटर, या बोल दिया जाता है आपका फेसिंग इनसाइड या इनसाइड टू द सेंटर कुछ भी बोल सकते हैं, और फेसिंग आउटवर्ड को आप बोल सकते हैं फेसिंग आउटसाइड। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपका यही पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं लेफ्ट और राइट में। तो देख लीजिए क्या है, अगर होता है आपका बोलता है फेसिंग सेंटर, ये आपका मैं बोल देता हूँ इसको, ये जो आपका सर्कल है ये अगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और ये है फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, ये सारे लोग आपके सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, जो जैसा ये एरो बना हुआ है अपने आप को अज़ूम कर लीजिए, इसका मतलब है कि इधर आपका लेफ्ट होगा इधर आपका राइट होगा। अब ये भी सेंटर की तरफ देख रहा है, जैसा एरो है आप उसी डायरेक्शन में फेस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये इधर है तो ये आपका लेफ्ट होगा ये आपका राइट होगा, यहाँ पर ये बैठा हुआ है इधर आपका राइट होगा इधर आपका लेफ्ट होगा, ऐसे ही ये है इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर आपका राइट हो जाएगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब मैं बोल देता हूँ अगर फेसिंग आउटवर्ड टू द सेंटर या फेसिंग आउटसाइड, अब ये आपका सर्कल बना हुआ है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब बाहर की डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब जब बाहर की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो देखिए ये एरो कैसा बना हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आपका लेफ्ट हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा। अब ये वाला एरो देखिए, यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, आप डाउनवर्ड्स नीचे साउथ की तरफ देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा इधर आपका राइट हो जाएगा, ऐसे ही ये है हमारा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, बस इसका जस्ट अपोजिट है ये। सो डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं नेबर्स की, इमीडिएट नेबर, नेक्स्ट, ये सब क्या होता है। देखिए सपोज आपको बोल दिया गया है ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इसका मतलब है कि सपोज अगर आपका ये बी बैठा हुआ है तो ए इसके बगल में होगा। अब ए राइट साइड भी हो सकता है, ए लेफ्ट साइड भी हो सकता है, आपको पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम पूरे ड्रॉ करने होते हैं, उसके बाद जो जो कंडीशन हमारी मैच नहीं करती वो आपको क्रॉस कर देना होता है और आगे उसी के आगे सॉल्व करना होता है। तो हमें दोनों तरफ सोचना है, नेबर मतलब कि ज़रूरी नहीं राइट साइड पे हो, ये आपके दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी आपका नेबर हो सकता है और इधर भी आपका नेबर हो सकता है। अब बोला जाता है सपोज आपको बोल दिया गया, देखिए यहाँ पर ये सर्कल है, अगर बोला गया है सब लोग इनसाइड देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ बी जो है ये अंदर की तरफ देख रहा है फेसिंग इनसाइड, और आपको बोला गया ए इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, आपको बोला गया है ए इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पर आपको पता है लेफ्ट डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड में मैंने आपको बताया है, आप यहाँ देख सकते हैं इधर होता है लेफ्ट, बोला गया है ए इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो एक पोजीशन ये हो गई, सेकेंड पोजीशन आपकी ये हो गई, तो यहाँ पर आ गया आपका ए, ये हो गया आपका ए। अगर बोल दिया जाता है ए इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी, तो अब राइट है तो इसका मतलब आपको पता है कि राइट डायरेक्शन इधर है, तो अब किधर चलेगा, अब ऐसे चलेगा। सो फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकेंड पोजीशन आपकी ये हो गई। ऐसे ही अगर हम बोल देते हैं कि कुछ लोग फेसिंग आउटसाइड हैं, मतलब सेंटर में बैठे हुए हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं, तब आपका क्या होगा, जैसे यही आप डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला डायग्राम मैं बोल देता हूँ ए इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, सपोज ये आपका बी है, ये आपका बी है, अब मैं बोलता हूँ ए इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, अब आपको क्लियर पता है आप नीचे की तरफ देख रहे हैं डाउनवर्ड, इधर आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट आपका किधर चलेगा, इधर चलेगा, ए इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हुआ आपका सेकेंड, तो ये आ गया आपका टोटल ए।
अगर बोल दिया जाता है ए इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ बी, तब आपका इधर चलेगा बिकॉज इधर आपका राइट है, तो सेकेंड टू राइट ऑफ बी एक ये पोजिशन हो गई, एक ये हो गई, ये आ गया हमारा ए। सो ये है हमारा पूरा इसका कॉन्सेप्ट, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपको, सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक रो में बैठे हैं और किधर देख रहे हैं आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, सिक्स लोग हैं नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं आपका, ये टोटल आपके हो गए सिक्स पीपल्स। अब देखिए क्या बोला गया है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। अभी आपको यहां पर कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आगे चलिए आगे पढ़िए। डी इज नॉट एट द एंड, आपको ये पता है कि डी एंड पोजीशन पर नहीं है, मतलब इधर भी नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, यहां तक क्लियर है। इसके बाद बोला गया है बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू ई। अब देखिए उसके यहां भी अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आगे आइए, आगे बोला गया एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ राइट एंड पर नहीं है, मतलब कि यहां नहीं होगा, इतना हमको पता है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, ये पहली लाइन पर ये बोला गया है सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। अब देखिए इसका मतलब है ये ए है, ये ई है और इसके बीच में हमारा सी बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका ई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सी, तो एक पोजीशन तो हमारी ये बन गई। दूसरी इसी के आगे देखिए, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एक पोजीशन हमारी ये बन गई। इसके बाद आगे आ जाइए, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, और इसके बाद एक लास्ट में हमारा ये बना ए सी और ई। सो इतनी कंडीशन हमारी बन गई। अब इसके बाद बोला गया है बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब ये वाली कंडीशन अगर आप देखेंगे, बोला गया है बी ई के तुरंत राइट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बी तो आएगा नहीं बिकॉज हमारा ये रो ख़त्म हो गई है। सो ये कंडीशन हटा दीजिए, बचा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका बी आ सकता है, यहाँ पर आपका बी आ सकता है और यहाँ पर आपका बी आ सकता है। अब देखिए इसके बाद आगे पढ़िए क्या बोला गया है। अब देखिए आप यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, जो ये फर्स्ट वाली पोजीशन है, यहाँ पर आपको बोला गया है देखिए चार हो गए हमारे। अब बच्चे हमारे कौन कौन से बच्चे हमारे, डी और एफ, डी एंड एफ। यहाँ पर अगर हम डी को प्लेस करते हैं और यहाँ पर एफ को, तो ये क्लियर बोला गया है एफ राइट एंड पर नहीं होगा, इसका मतलब ये पोजीशन गलत है। डी भी राइट पर नहीं आएगा तो ये गलत है। इसके अब ये वाली सेकेंड पोजीशन लेते हैं, देखिए बी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ना तो डी आएगा ना ही एफ आएगा, तो ये भी पोजीशन गलत है। अब ये चेक कर लीजिए आप, देखिए यहाँ तक दिया गया ए सी ई बी, डी हमें क्या बोला गया एंड पे नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास दो पोजीशन बची हैं, एक ये और एक ये, डी एंड पे नहीं होना चाहिए, तो हम डी को यहाँ नहीं रख के हम डी को यहाँ पर रख देंगे। और क्या बोला गया एफ इज नॉट एट द राइट एंड, तो एफ राइट एंड पर नहीं है, यहाँ पर पहले से बी है तो यहाँ पर हम एफ को रख देंगे। सो ये हमारी पूरी कंडीशन कंप्लीट हो गई, ये बन गया हमारा पूरा। तो ये जो बना ये क्या बना आपका, एफ डी ए सी ई एंड बी, ये पूरा आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा ए के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर डी। ए के सेकंड राइट कौन बैठा हुआ है, सेकंड राइट में कौन है आपका ई। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आपको अरेंजमेंट कंप्लीट करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए बोला गया है ए बी सी डी ई एफ जी आर एच सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। देखिए टोटल पहले आप देख लीजिए कितने लोग दिए गए, 4+4 टोटल 8 पीपल्स यहाँ पर हैं। क्या करना है आपको, पहले ये पूरा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, टोटल 8 लोग हो गए, ये पूरा एक तरह से सर्किल ही है, ये टोटल 8 लोग हो गए हमारे। और क्या बोला गया है फेसिंग एट द सेंटर, मतलब कि सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये ड्रॉ कर लीजिए आप, एरो ज़रूर ड्रॉ कर लिया करिए। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए यही बोलूँगा, आप एरो ड्रॉ कर लिया करिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है डी इज़, ये पढ़िए, डी इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। अभी हमको किसी की पोजीशन नहीं पता है, पर हमको क्या बोला गया है डी इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट पर है, हम क्या करेंगे एफ को किसी भी पोजीशन पर फिक्स कर देंगे। सपोज यहाँ पर एफ है और डी क्या है, डी बोला गया है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन हो गया ये डी,
इसके बाद बोला गया है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एंड लिखा हुआ है, जब भी आपका एंड लिखा जाएगा, एंड लिख के आएगा, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये उसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। जब भी एंड लिखा होगा इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बोला गया है, और जब भी हु लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पर एंड बोला गया है एंड थर्ड टू राइट ऑफ एच, मतलब कि डी इज थर्ड टू राइट ऑफ एच। अब हमको देखिए, ये हमारा डी हो गया, अब बोला गया है थर्ड टू राइट ऑफ एच। अब देखिए 1 2 3 ये हो गया हमारा एच। अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियर, ये आपका इधर राइट पोजिशन चल रहा है 1 2 3, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा एच हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, ए इज सेकेंड टू राइट ऑफ एफ, ये एफ है, इधर राइट चल रहा है ना आपका 1 2, ये हो गया आपका ए। एंड ऑन एंड एन, सॉरी ऑन नहीं होगा, ये एन है, एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यहाँ पर है, बिल्कुल सही है, देखिए इमीडिएट नेबर है एच का। सी इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी एंड एफ इज थर्ड टू राइट ऑफ बी। अभी देखिए सी और बी के बारे में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर एफ के बारे में है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले बोला गया एफ इज थर्ड टू राइट ऑफ बी, मतलब कि बी आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए राइट इधर चल रहा है आपका, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एफ थर्ड प्लेस पर है, बी के थर्ड राइट पर, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से ये वाली लाइन पढ़ लीजिए, सी इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी, ये बी है आपका 1 2, ये हो गया आपका सी। इसके बाद क्या है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, इसका मतलब यहाँ पर जी आएगा नहीं, तो जी कहाँ आ जाएगा, जी आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब कौन सा एक बचा, कुछ बचा हमारे पास, ई बचा, यहाँ पर ई को लिख दीजिए। सो ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है, जी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो ये हो गया कंप्लीट। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको बोला गया है वी यू एंड टी आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ए बी एंड सी आर ऑल्सो सीटेड इन द सर्कल बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। अब इसमें देखिए आपको पहले तो देखिए कितने टोटल लोग दिए गए, 6 पीपल दिए गए आपको। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया टोटल 6 लोग। अभी आपको यहाँ पर एरो नहीं बनाना है, बिकॉज यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 लोग जो हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं और बाकी 4 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं पता है, हमको सिर्फ वी यू और टी के बारे में पता है। वी यू एंड टी ये क्या है, फेसिंग इनसाइड, फेसिंग इनसाइड। अभी एक ये हमारे पास पूरी कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, और क्या है, ए बी सी, इसमें से 2 जो हैं फेसिंग आउटसाइड है, एक ये, बस इतना हमारे पास पता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, सारे फेसिंग इनसाइड या सारे फेसिंग आउटसाइड, ये पहले आते थे, बट अभी पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ इनसाइड की तरफ देखेंगे, कुछ आउटसाइड की तरफ देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही डायरेक्शन में देखें। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोला गया है वी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। अब सी का डायरेक्शन आपको पता है क्या, नहीं पता है। आप सी को कहीं पर फिक्स कर सकते हैं, कोई पोजीशन आपको पता है, नहीं पता है। आगे पढ़िए, यू इज सेकेंड टू राइट ऑफ ए, यू ए के सेकेंड राइट में है। अब आप ए को कहाँ बैठा लेंगे, मान लीजिए आप यहाँ फिक्स कर लेते हैं, पर बट आपको ए की डायरेक्शन नहीं पता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, टी मिला, टी का डायरेक्शन आपको गिवन है एकदम साफ साफ, टी फेसिंग इनसाइड। अब हम क्या करेंगे, हम कहीं पर भी टी को बैठा देंगे, ये हो गया हमारा टी। बी क्या है, बी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी। अब ये आपको पता है कि टी फेसिंग इनसाइड है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट किधर चलेगा आपका, इधर चलेगा 1 2 3, ये हो गया आपका बी। अभी बी की डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए आप ड्रॉ मत करिएगा आगे। आगे क्या है, सी इज सेकेंड टू राइट ऑफ टी। देखिए एक और हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई, सी इज सेकेंड टू राइट ऑफ टी। अब ये टी है, राइट किधर चलेगा, इधर चलेगा, इसका मतलब 1 2, ये हो गया हमारा सी। यहाँ तक बात हो गई। अब आगे बोला गया है ए इज सीटेड नेक्स्ट टू वी। अभी यहाँ हमको कुछ नहीं पता है, छोड़ दीजिए, वापस से पहली लाइन पर चलिए। फर्स्ट लाइन क्या बोला गया था आपको, वी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए ये हमारा सी बना हुआ है,
ठीक है, हमसे बोला गया है वी क्या है, सी के सेकंड लेफ्ट में है। सी का डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं ये सी है हमारा और ये हमारा यहाँ पर क्या है टी बैठा हुआ। हम अज्यूम कर लेते हैं अगर कि ये अगर इनसाइड देख रहा है, फेसिंग इनसाइड अंदर की तरफ देख रहा है, तो हमारा लेफ्ट इसका किधर चलेगा, इधर चलेगा। और बोला क्या गया है वी सी के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड लेफ्ट में बैठा कौन है, पहले से आपका टी बैठा है। इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, बदल दीजिए। अगर इनसाइड देखेगा तो यहाँ पर वी नहीं आ सकता बिकॉज टी पहले से बैठा है, तो इसका मतलब हमें क्लियर समझ में आ गया कि सी बाहर की तरफ देख रहा है। ये हो गया सी। अब वी को भी आप फिक्स कर दीजिए, वी कहाँ पर है, सेकेंड लेफ्ट, वन और टू, ये हो गया हमारा वी। वी का डायरेक्शन आपको यहाँ पर गिवन है फेसिंग इनसाइड, ये आप कर दीजिए इनसाइड। अब देखिए आगे क्या है, यू इज सेकेंड टू राइट ऑफ ए, एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है यू इज सेकेंड टू राइट ऑफ ए, और दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है ए इज सीटेड नेक्स्ट टू वी। अब हमारे पास दो ही पोजीशन बच रही है, एक तो ये वाली बच रही है और एक ये वाली बच रही है। यू का डायरेक्शन हमें पता है, देखिए यू का डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है यू फेसिंग इनसाइड, और क्या है यू इज सेकेंड टू राइट ऑफ ए, मतलब कि यू जो है वो ए के सेकेंड राइट पर है। अब यहाँ पर अगर सपोज हम ए को फिक्स करते हैं, यहाँ पर हमने ए को फिक्स किया और हमने बोल दिया कि ए फेसिंग इनसाइड अंदर की तरफ देख रहा है, ये मैंने कर दिया। यू क्या बोला गया, ए के सेकेंड राइट पर है। अब देखिए राइट का आपका किधर होता है, इधर होता है, यहाँ पर आपका यू आ गया। इसका मतलब ये हमारा अरेंजमेंट एकदम सही है और यू का डायरेक्शन आपको बोला गया है इनसाइड। अगर आप इसको आउटसाइड ए को करेंगे तो राइट आपका इधर चलेगा, वहां पर पहले से बी बैठा हुआ है, इसका मतलब वो वाला हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये सही है। अब ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें बोला गया था दो हैं वो फेसिंग आउटसाइड हैं, ए हमारा इनसाइड है, सी आउटसाइड है बाहर की तरफ देख रहा है, एक बचा हमारा बी, इसका मतलब ये भी हमारा बाहर की तरफ देख रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा, अब किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किया कैसे जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया, तो कितना भी एडवांस लेवल क्वेश्चन हो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो PDF है उसका प्रैक्टिस सेट का, वो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अगर आपको पसंद आता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।